भाग्य विधाता। चाची चलिए यहां से। अच्छा रुको, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए अर्जुन के साथ। पर कनिका, मैं यहाँ करूंगा क्या? आपको मेरी पसंद, यहीं रुकिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम मुझसे नाराज थी, लेकिन फिर भी तुम ये सब कैसे सह सकती थी? नहीं अर्जुन, इसमें मेरी ही गलती थी। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था अरुण के बारे में। चाची, अर्जुन ने बहुत गलत किया हमारे साथ। अरे ये अर्जुन ने नहीं किया है, उस पाखी ने किया है, और इस बात का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। लेकिन वो कैसे? अब कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। पाखी को उस घर से बाहर निकालने के लिए मुझे उस घर में जाना होगा। लेकिन चाची, आप उस घर में कैसे जाएंगे? अब जो चीज घर में नहीं हो सकी वो तो मैं कैसे भी करके करके रहूंगी। लेकिन चाची, अर्जुन को तो आपका सच पता चल गया है ना, फिर वो कैसे आप पर विश्वास करेगा? अब अर्जुन पाखी पर तो बहुत भरोसा करता है। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पाखी की नजर में अर्जुन झूठा साबित हो जाए। और वो आप कैसे करेंगे? उसकी जिंदगी में मीनाक्षी की एंट्री करके। मीनाक्षी? हाँ मीनाक्षी। अब ये सब छोड़ो, तुम आगे आगे देखो मैं क्या क्या करती हूँ। ठीक है चाची, अब एक काम करते हैं, आप मेरे घर चलिए, फिर उसी घर के पास एक घर देख लेंगे, ताकि आपकी नजर पाखी और अर्जुन पर हमेशा से रहे। कुछ ऐसा ही करना होगा। चलो आयशा, आयशा कहाँ जा रही है? रुक जाओ, वहाँ पे खतरा है। आयशा चाची, अब तक हम घर के पास ही भटक रहे हैं, अभी तो बहुत लंबा सफर बचा है। मैं एक काम करता हूँ, टैक्सी देख कर आता हूँ, आप यहाँ बैठ जाइए तब तक। ओ मैडम, क्या हुआ? संभालो चेहरा। अरे कोई पानी लाओ। चाची, चाची उठिए। मुझे क्या देख रहा है? पानी ला। अरे आयशा, ये क्या किया तूने? अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही बेहोश हो गई है। अरे तुम दोनों चुप रहो, चाची उठिए ना। अरे ये तो उठ भी नहीं रही है। ए हीरो, मेरा घर पास में ही है, इसको लेके चल मेरे घर पे। ओ, किसी को भी कैसे घर पे ले जा सकती है तू अपने? तुझे पता है ना मैं अपनी मर्जी का करती हूँ, फिर क्यों रोक रहा है मुझे? चलो उठाओ। आयशा, तो तुम्हें घर में ही नहीं है, कहीं वहां तो नहीं चली गई जहां उसे नहीं जाना चाहिए था? नहीं नहीं आयशा, तो उस घर के लोगों के बारे में कुछ नहीं पता, और वहां नहीं जा सकती कभी नहीं। आयशा। हाँ पापा, मैं हूँ। ये लोग कौन है तुम्हारे साथ? अरे पापा, ये आंटी रास्ते में बेहोश हो गई थी, इसलिए महारानी इनको साथ ले आई। पापा मैंने सही किया ना? हाँ बेटा, तुमने एकदम सही किया। अथर्व, उनको यहाँ बिठा दो। जी अंकल, आपकी बेटी तो कभी गलत कर ही नहीं सकती। नहीं कर सकती, मुझे पूरा विश्वास है उस पर। भाई अपने चाची को संभाल, मैं चलता हूँ। बैठ, चाय पीकर जा।
हाँ बेटा चाय तो पी के जाओ। नहीं नहीं अंकल, फिर कभी, अभी काम है मुझे, मैं चलता हूँ। पापा मैं डॉक्टर को कॉल करके आती हूँ। ठीक है बेटा, तुम भी फ्रेश अप हो जाओ। नहीं अंकल, मैं चाची के पास रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, तो ज्यादा टेंशन मत लो, मैं चाय लेके आता हूँ। जी बुझे ना चाची। अरुण ज्यादा स्ट्रेस मत ले। अरे चाची आपको होश आ गया? मैं बेहोशी कब थी? क्या आप बेहोश हुई थी मतलब? अरे जब मैंने देखा कि ये लड़की, मुझे लगा ये पाखी है, पर यहाँ आकर मुझे पता चला ये तो आयशा है। फिर क्या? अब अर्जुन की जिंदगी में से पाखी को निकालने का एक ही तरीका है। क्या क्या आप ये नाटक कर रहे थे बेहोश होने का? और पाखी ये कौन है मेरी हमशक्ल? पाखी मेरी बहू। ओ मैडम, तो आप इतनी नफरत करती हो अपनी बहू से जो उसको घर से बाहर निकालना चाहती हो? हाँ तो बोलो, तुम दोगे मेरा साथ? नहीं, मेरी बेटी तुम्हारा साथ नहीं देगी। आप ये फैसला अपनी बेटी को करने दीजिए। बोलो आयशा। तुम इनका साथ नहीं दोगी बेटी? रुकिए पापा, मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? तुम्हें पाखी की आधी जायदाद मिलेगी अगर तुम मेरा साथ दोगी पाखी को उस घर से बाहर निकाल देने का। मैंने कहा ना मेरी बेटी तुम्हारा साथ नहीं देगी, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। रुकिए, मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मुझे पूरी जायदाद तो नहीं, बस 10 लाख रुपए चाहिए। और एक बात, मेरे पापा उस घर में मेरे साथ रहेंगे। ठीक है, ये डन। ठीक है, मेरी बेटी को कोई ऐतराज नहीं है तो। अर्जुन, दादी माँ कहाँ चले गए सब? लगता है अर्जुन और फूफा जी जल्दी चले गए ऑफिस, और दादी माँ मंदिर गई होंगी। एक काम करती हूँ, मैं भी मार्केट जाके अर्जुन के बर्थडे के लिए कुछ सामान ले आती हूँ। सारा सामान मिल गया, घर जाकर रख देती हूँ कहीं, ताकि अर्जुन के बर्थडे तक उसे मिले ना।